नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एच नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है। और काम क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल राशि को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एच नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के बंधन में आते हैं तो आप दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसमें एक समानता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे के गुणों से, एक दूसरे के व्यक्तित्व से, एक दूसरे के रहन सहन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, यदि एच नाम वालों की बात करें तो एच नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके अलावा एच नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जिद के सामने में किसी और इंसान की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वैसे इसके अलावा यदि एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके अलावा एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, एच नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल राशि को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।